हेलो फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग चापर से जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है सभी एग्ज़ामों में, जैसे एनटीपीसी, पीजीसीएल और डीएमआरसी जैसे एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो इससे पहले चापर का आपका थ्योरी वाला सेक्शन जो है कवर हो चुका है, तो जो लोग अगर थ्योरी वाले पोर्शन को नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे चापर से। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा चापर है, यानी कौन सा जो टाइप है चापर में। हम जानते हैं कि दो टाइप होता है, तो इसमें ये पूछा गया है कि जो टू स्टेज का जो चापर होता है उसमें से कौन सा ये चापर है। तो हम जानते हैं कि जो चापर होता है वो दो टाइप का चापर होता है, एसी लिंक चापर और दूसरा होता है हमारा डीसी लिंक चापर। तो एसी लिंक चापर जो होता है वो हमारा दो स्टेज पे वर्क करता है। जो एसी लिंक चापर होता है वो हमारा दो स्टेज पे वर्क करता है, और डीसी लिंक चापर जो होता है वो हमारा वन स्टेज पे वर्क करता है। अब दो स्टेज में यहाँ पे जो होता है हमारा, एक होता है हमारा इन्वर्टर यूज़ होता है हमारा, और दूसरा जो हमारा यूज़ होता है वो हमारा रेक्टिफायर यूज़ होता है। तो इन्वर्टर और रेक्टिफायर यूज़ होता है, और डीसी लिंक में सिर्फ डायरेक्ट एक चापर यूज़ होता है यहाँ पे हमारा। तो अगर हम बात करते हैं एसी लिंक चापर की, तो वहाँ पे सबसे पहले जो होता है हमारा ये इन्वर्टर होता है हमारा, और इन्वर्टर के बाद हमारे यहाँ पे रेक्टिफायर यूज़ होता है। और यहाँ पे जो है ये इसके इनपुट में जैसे ही अगर हम लोग डीसी देते हैं, तो ये डीसी जो है ये इन्वर्टर क्या करता है उसे एसी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एसी है, यानी अब ये जो रेक्टिफायर है, अब इस एसी को ये जो है डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये होता है एसी लिंक चॉपर। डीसी लिंक चॉपर में क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्ट चॉपर यूज़ होता है, और ये चापर जो होते हैं यहाँ पे इनपुट पे हम लोग डीसी देते हैं, और डायरेक्ट हमें आउटपुट में जो है डीसी मिल जाता है, वेरिएबल डीसी। तो ये जो है एसी लिंक चापर है और ये जो है डीसी लिंक चापर है। तो यहाँ पे जो है दो स्टेज का इन्होंने पूछा है, दो स्टेज का जो चापर होता है हमारा एसी लिंक चापर होता है, और वन स्टेज का जो हमारा डीसी लिंक चापर होता है वन स्टेज के लिए। तो पहले का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ज़्यादा मैक्सिमम यही पूछा जाता है। तो चापर जो होता है कन्वर्ट करता है, तो जैसे हम जाते हैं चापर जो होता है हमारा डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी फिक्स डीसी को जो है ये वेरिएबल डीसी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है वेरिएबल डीसी में। तो ये जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, यानी फिक्स डीसी को वेरिएबल डीसी में जो है कन्वर्ट करता है। तो दूसरे का जो करेक्ट आंसर होगा आपका थर्ड होगा। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, चापर में भी थ्रो आउट एज द, तो चापर जो होता है वो किस तरीके जो है इसका बिहेवियर होता है यहाँ पे ये पूछा गया है। तो देखिए जो चापर होता है, हम जानते हैं कि डीसी को जो है आउटपुट में वोल्टेज वेरिएबल जो है मतलब वोल्टेज देता है, मतलब फिक्स डीसी को जो है वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। अब वेरिएबल जो होगा हमारा जो डीसी आउटपुट में मिलेगा वो वेरिएबल होगा। अब वो जो वेरिएबल होगा हम अपने अकॉर्डिंग जो है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर भी जो होता है वो एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, तो उसी के सेम अकॉर्डिंग जो है चॉपर भी जो है हमारा डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो इसका जो बिहेवियर होता है वो हमारा डीसी इक्वेलेंट ऑफ एन एसी ट्रांसफार्मर। तो जो एसी काम करता है एसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए, हम लोग एसी ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और डीसी को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए हम लोग चापर यूज़ करते हैं। तो चापर का जो भी बिहेवियर होता है वो हमारा एसी ट्रांसफार्मर के जो है कंपैरिजन होगा। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा यहाँ पे। चौथा अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे पूछा गया विच डिवाइस कैन बी यूज इन चॉपर सर्किट। तो चॉपर सर्किट में कौन सी डिवाइस यूज़ किया जाता है, तो चॉपर सर्किट में ये सभी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछता है कि लो पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सी डिवाइसेज यूज़ होती हैं, और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए कौन सी डिवाइसेज यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जितने भी हैं बीजेटी मॉसफेट या फिर जीटीओ या फिर मतलब ये जितने भी पैरामीटर्स हैं, ये जो हैं ये जो लो पावर एप्लीकेशन के लिए जो हैं ये यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, और हाई पावर एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एससीआर को ही यूज़ किया जाता है।
तो फिलहाल यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर जो है, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है। लो पावर एप्लीकेशन के लिए जितने भी डिवाइसेज हैं ये लो पावर के लिए यूज़ की जाती हैं, और हाई पावर के लिए सिर्फ हम लोग SCR सर्किट का ही यूज़ करते हैं या फिर थायरिस्टर का। चौथे का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया ए चॉपर इज ए, तो चॉपर क्या है? तो चॉपर जो है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच है, और ये जो है एसी टू डीसी कन्वर्टर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, और यहाँ पे डीसी ट्रांसफार्मर बोला गया है। तो डीसी ट्रांसफार्मर होता नहीं है, इसका बिहेवियर जो होता है वो डीसी ट्रांसफार्मर जैसा होता है, इसे हम लोग डीसी ट्रांसफार्मर सिर्फ बोल सकते हैं, होता नहीं है रियली में। और पहला ऑप्शन जो है गलत होगा, टाइम रेशियो कंट्रोल भी नहीं होगा। तो चॉपर जो होता है वो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर क्या है, स्विच है, मतलब सब सप्लाई वोल्टेज और लोड से जो है ये बहुत ही फास्ट जो है ओपन और क्लोज का वर्क करता है, मतलब इसमें जो रिस्पांस होता है बहुत ही हाई स्पीड होता है, लोड को कनेक्ट और डिसकनेक्ट जो है वो बहुत ही हाई रेट से करता है, इसलिए इसकी जो इफिशेंसी होती है वो बहुत ही अच्छा होता है, रिस्पांस जो है इसका यूज अच्छा होता है। अगला यहाँ पे जो है छठवें वाले क्वेश्चन में ये पूछा गया व्हाट इज़ द ड्यूटी साइकिल ऑफ द चॉपर, तो ड्यूटी साइकिल को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है टर्न ऑन टाइम अपन टोटल टाइम, और टोटल टाइम जो होता है वो आपका टर्न ऑन टाइम प्लस टर्न ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो छठवें का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी होगा। तो टोटल टाइम आप यहाँ से देख लीजिएगा, जो टोटल टाइम होता है वो आपका टर्न ऑन टाइम और टर्न ऑफ टाइम होता है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और अल्फ़ा जो ड्यूटी साइकिल होता है इसका जो रेंज होता है वो 1 से लेके 0 के बीच जो है ये वेरिएशन मिलता है देखने के लिए। और यहाँ से जो है अगर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर पूछता है कि मतलब अल्फ़ा और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताइए, तो उसका फार्मूला होता है एफ बराबर अल्फ़ा अपन टर्न ऑन टाइम। तो ये जो है फार्मूला है आपका, ये फार्मूला ये चीज़ है, और ये फार्मूला आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो फिलहाल छठवें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां, यहाँ पे पूछा गया दो लोड का जो वोल्टेज होता है अगर हम लोग चॉपर से कंट्रोल करते हैं तो हमें क्या चीज़ जो है वेरिएशन करना पड़ेगा। तो हम कभी भी लोड के आउटपुट मतलब वोल्टेज को अगर वेरिएशन करना है तो हमें जो है ड्यूटी साइकिल को वेरिएशन करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं चॉपर दो टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन चॉपर और स्टेप अप चॉपर। तो स्टेप डाउन चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा ड्यूटी साइकिल और सप्लाई वोल्टेज के मल्टीपल होता है। ये जो है आपका स्टेप डाउन के लिए जो है ये फार्मूला है, और स्टेप अप के लिए जो फार्मूला निकल के आता है मतलब आउटपुट वोल्टेज बराबर होता है सप्लाई वोल्टेज 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो है स्टेप अप के लिए है, ये जो फार्मूला है स्टेप अप के लिए है। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम ड्यूटी साइकिल को इनक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा इनक्रीज़ होगा। यहाँ पे भी अगर हम अल्फ़ा को इनक्रीज़ करते हैं तो टोटल ये जो वैल्यू होगी वो हमारी कम होगी और आउटपुट वोल्टेज जो होगा हमारा अधिक होगा। तो दोनों कंडीशन में, या तो स्टेप डाउन हो या फिर स्टेप अप हो, दोनों के कंडीशन में हम जो भी कंट्रोलिंग पैरामीटर यहाँ पे करेंगे वो ड्यूटी साइकिल से ही लेके चलेंगे। तो सातवें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ ए ड्यूटी साइकिल, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है जैसा कि हम जानते हैं ये 0 से लेके 1 के बीच जो है इसका वेरिएशन होता है। नौवें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ ए चॉपर सर्किट एंड अल्फा इज़ द ड्यूटी साइकिल देन द चॉपर फ्रिक्वेंसी, तो चॉपर फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे इन्होंने पूछा है चॉपर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है अल्फ़ा बटा टर्न ऑन टाइम। तो नवे का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। अब इसको प्रूफ करना है सपोज़ कि कैसे ये होता है, तो देखिए अगर इसको हमें प्रूफ करना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि अल्फ़ा बराबर होता है टर्न ऑन टाइम अपन टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल टाइम अगर निकालते हैं तो ये चला जाएगा इधर, और यहाँ पे हो जाएगा टर्न ऑन टाइम अपन अल्फ़ा हो जाएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारा वो टाइम
के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस टाइम की जो वैल्यू है यहाँ पे ले जाके जब हम पुट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 1/ टर्न ऑन टाइम अपन अल्फ़ा। अब ये जो है अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा अल्फ़ा अपन टर्न ऑन टाइम। तो यहाँ से आप जो है प्रूफ कर सकते हैं फार्मूला, बस आपको ये जो है फार्मूला याद होने चाहिए। तो 9वें का जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी होगा। तो फार्मूला जो है यहाँ से आपको ईजिली ध्यान देना है क्यों, फार्मूले से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल। 10वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज एक्सप्रेशन ऑफ ए स्टेप डाउन चॉपर विद द सप्लाई वोल्टेज, अगर इनपुट वोल्टेज है और अल्फा इज द ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे जो है आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन बताना है हमें स्टेप डाउन चॉपर के कंडीशन में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेप डाउन चॉपर होता है और दूसरा होता है स्टेप अप चॉपर, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेप डाउन चॉपर को पूछा हुआ है कि हमें आउटपुट वोल्टेज बताइए। तो स्टेप डाउन चॉपर के लिए हम फार्मूला जो होता है आउटपुट बराबर होता है वो ड्यूटी साइकिल और इनटू सप्लाई वोल्टेज होता है। तो इसका जो फार्मूला करेक्ट फार्मूला होगा वो आपका बी होगा। लेकिन अगर यही स्टेप अप के लिए पूछ देता है तो उस कंडीशन में जो फार्मूला अब होगा वो हमारा होगा आउटपुट वोल्टेज बराबर सोर्स वोल्टेज अपन 1 - ड्यूटी साइकिल। तो ये दो फार्मूला आपको ध्यान देने हैं, ये स्टेप अप, ये स्टेप डाउन के लिए है और ये स्टेप अप के लिए है। अब देखिए यहाँ पे 11 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ यदि स्टेप अप चापर जो है, अगर स्टेप अप चापर का अगर स्विच जो है हमेशा ऑफ के कंडीशन में है तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो अगर हमारा स्विच हमेशा अगर ऑफ के कंडीशन में है तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा रिलेशन जो होगा वो आपका सी होगा, मतलब जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। जैसा कि हम जानते हैं टर्न ऑन टाइम जो होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो इसका जो स्विच है वो ऑफ है। तो जैसे ही ऑफ होगा तो टर्न ऑन का जो टाइम होगा वो भी जीरो होगा और जो ड्यूटी साइकिल होगा वो भी हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं, जो फार्मूला होता है हमारा अल्फ़ा बराबर होता है टर्न ऑन टाइम अपन टोटल टाइम। तो यहाँ से अगर हम लोग जो है, अगर जैसा कि ये भी हमें पता है कि स्टेप अप चापर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा भी जीरो अपन सप्लाई वोल्ट वो सोर्स वोल्टेज 1 - अल्फ़ा होता है। तो अगर हमारा स्विच जो है अगर ऑफ है तो टर्न ऑन टाइम भी जीरो होगा और अल्फ़ा भी जीरो होगा। इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं तो उस कंडीशन में जो होगा हमारा अल्फ़ा, ये जो अगर हमारा टर्न ऑन टाइम अगर ये जीरो हो रहा है, टर्न ऑन टाइम अगर ये जीरो हो रहा है तो अल्फ़ा भी जीरो हो जाएगा। तो टोटल जो हमें टाइम बचेगा टी बचेगा, यानी 1 वैल्यू बचेगी और उस 1 की वैल्यू हम यहाँ पे अल्फ़ा की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे जो होगा वो आपका जो क्वांटिटी होगी वो कट जाएगी। थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं ये कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे जो है यहाँ पे स्विच ऑफ होगा, तो जैसे कि हम जानते हैं अल्फ़ा बराबर होता है टर्न ऑन टाइम अपन टोटल टाइम। तो स्विच ऑफ है, तो अगर स्विच ऑफ है तो यहाँ पे जो टर्न ऑन टाइम होगा वो भी जीरो होगा और अल्फ़ा भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इन दोनों की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी, मतलब अगर ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं जो हमारा स्टेप अप चापर होता है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा सोर्स वोल्टेज 1 - अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू हमें जीरो रखना है, तो यहाँ पे अगर हम जीरो रखते हैं तो 1 - 0 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 1 से जब सप्लाई वोल्टेज भाग देंगे तो 1 ही होगा, यानी सोर्स वोल्टेज जो होगा वो हमारा आउटपुट वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी होगा। अब सेम ये भी क्वेश्चन पिछले जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया स्टेप अप चार, अगर इस कंडीशन में स्विच को जो है यहाँ पे इन्होंने ओपन रखा है, तो देखिए स्विच अगर ओपन होता है तो यहाँ पे जो टर्न ऑन टाइम होता है टी इंटू अल्फ़ा। तो सेम वही फार्मूला है, अल्फ़ा बराबर टर्न ऑन टाइम अपन टी, उसी को हमने यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन क्रॉस में लिखा है। तो यहाँ पे जो टर्न ऑन का टाइम होता है टी इंटू अल्फ़ा होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 1 होता है और जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमारा सप्लाई वोल्टेज 1 - अल्फ़ा होता है।
तो यदि हम अल्फा के जगह एक रख दें तो एक में से एक क्या हो जाएगा, घटेगा तो जीरो हो जाएगा, यानी सप्लाई वोल्टेज के बटा जीरो हो जाएगा। अब जीरो से किसी भी क्वांटिटी में जब भाग देंगे तो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा इनफाइनाइट होगा। तो ये ध्यान देना है, अगर स्विच ऑफ का टाइम होगा, अगर अगर हमारा स्विच ऑफ का कंडीशन होगा तो वहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज के बराबर होगा। अगर हमारा ओपन का कंडीशन है तो उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा वो इनफाइनाइट मिलेगा। तो ये दो पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 13 क्वेश्चन है, फॉर ए स्टेप अप चॉपर व्हेन द ड्यूटी साइकिल इज इंक्रीज द एवरेज वैल्यू ऑफ ए आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे ये पूछा गया है स्टेप अप चॉपर में अगर हम ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो है वो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, तो इंक्रीज होगा। ये जो है स्टेप अप चॉपर के लिए है। तो जैसा कि स्टेप अप चॉपर का फार्मूला हम जानते हैं, आउटपुट वी जीरो अपान वी एस वन माइनस अल्फ़ा। अब जैसे ही ड्यूटी साइकिल को हम लोग इनक्रीज़ करेंगे तो एक में से बड़ी क्वांटिटी को घटाएंगे तो ओवरऑल इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी कम आएगी, और उसके ये जो कम होगी तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा, इनक्रीज़ होगा। और सेम ये तो स्टेप अप चॉपर के लिए था। स्टेप डाउन चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो अल्फ़ा इंटू सप्लाई वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन चॉपर में भी अगर हम लोग ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि ड्यूटी साइकिल को जब भी आप इंक्रीज़ करेंगे, चाहे स्टेप डाउन के कंडीशन में चाहे स्टेप अप के कंडीशन में, दोनों के कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारा इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, ड्यूटी साइकिल दोनों के कंडीशन में जो है इंक्रीज़ करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फॉर ए स्टेप डाउन चॉपर द ड्यूटी साइकिल इज इनक्रीज। सेम वही क्वेश्चन जस्ट अभी हमने पीछे बताया। तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो स्टेप डाउन चॉपर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो स्टेप डाउन चॉपर को हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट चॉपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही ऑपरेट होता है हमारा। 16 वाले क्वेश्चन में अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है टाइप सी चॉपर। अगर हमें टाइप सी चॉपर बनाना है तो उस कंडीशन में हमें जानते हैं कि टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो टाइप ए चॉपर और टाइप बी चॉपर को अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होगा, टाइप सी चॉपर जो है वो हमारा बना सकते हैं। टाइप सी चॉपर को बनाने के लिए हम लोग दोनों को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में करेंगे, ए और बी चॉपर को। और ए और बी जो चॉपर होता है वो आपका सिर्फ वन कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और सी जो चॉपर होता है वो आपका मतलब डबल या फिर दो कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है। तो सी चॉपर को बनाने के लिए ए और बी को अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारा सी चॉपर मिलेगा। और सी चॉपर जो होता है ये दो टू कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है, और ए और बी जो होता है वो आपका वन कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और क्लास सी चॉपर का यूज़ हम जानते हैं, रिजनरेटिव ब्रेकिंग और डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सी चॉपर जो होता है, सी चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जो करंट होती है वो आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है सी चॉपर में। तो सी चॉपर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से मैक्सिमम जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैक्सिमम एग्जामों में। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 है। यहाँ पे 17 वाले केस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इन द केस ऑफ टीआरसी मतलब टाइम रेशियो कंट्रोल इज वैरीड। तो टाइम रेशियो कंट्रोल को अगर वैरीड कराना है तो हमें ड्यूटी साइकिल को वैरीड कराना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बराबर होता है टर्न ऑन टाइम अपन टोटल टाइम। तो टाइम रेशियो कंट्रोल जो है ये हमारा टी है, अगर इसको हम वेरिएशन करेंगे तो ड्यूटी साइकिल हमारा क्या होगा, वेरिएशन मिलेगा। 18 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ये पूछा गया, इन द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टीआरसी या फिर पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम। तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी टीआरसी में अगर हम पल्स विथ मॉड्यूलेशन जो है किस चीज़ को वैरी कराएंगे तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो हम टर्न ऑन टाइम को अगर वैरी कराते हैं, यदि हम लोग टर्न ऑन टाइम को वैरी कराते हैं तो जो पल्स मॉड्यूलेशन की जो विथ है उस कंडीशन में जो हमारा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो बनी रहेगी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास इन केस ऑफ ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, तो वेरिएबल अब करना है हमारे फ्रीक्वेंसी को, तो हम टाइम पीरियड को वेरी कराएंगे। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पाने के लिए हमें टी को वेरीड कराना है, और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पाने के लिए हमें टी टर्न ऑन को वेरीड कराना है। तो ये दो पॉइंट है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है 20 में ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो है पल्स बीस का जो मॉड्यूलेशन स्कीम है, अगर कांस्टेंट रखना है तो जस्ट हमने अभी बताया कांस्टेंट रखने के लिए हमें टर्न ऑन टाइम को ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं। यहीं से बता सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो सेम जो है 18 नंबर वाला पिछला जो है 18 वाले क्वेश्चन के सेम जो है ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 21 वाले क्वेश्चन ये है, इन द केस ऑफ ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम, अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम में हम किसको जो है यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं। तो देखिए फ्रीक्वेंसी अगर मॉड्यूलेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि टर्न ऑन और टर्न ऑफ दोनों को हम यहाँ पे कांस्टेंट रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। 22 वाले क्वेश्चन में पूछा गया द कंट्रोल स्ट्रेटजी इन विच ऑन एंड ऑफ टाइम इज गाइड बाय प्रीवियस सेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए सर्टेन पैरामीटर इज कॉल्ड करेंट लिमिट कंट्रोल। तो ये आपको जो है याद करना पड़ेगा, ये जो आपको याद करना पड़ेगा, तो ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा करेंट लिमिटिंग कंट्रोल। अगला जो यहाँ पे है इन द करेंट लिमिट कंट्रोल मेथड द चापर इज स्विच ऑफ, मतलब करेंट लिमिटिंग कंट्रोल मेथड में अगर हम चापर की स्विच को ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा क्या होगा लोड करेंट मतलब जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा अपर लिमिट में, जो भी मतलब एक लिमिट में जो भी हम डिज़ाइन करेंगे उससे हमारी करेंट क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी करेंट लिमिटिंग कंट्रोल में, अगर हम स्विच ऑफ करते हैं तो, ऑन करेंगे तो हमारी डाउन हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 24 वाले में यहाँ पे जो है ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन कंट्रोल स्ट्रेटजी या वुड बी रिक्वायर्ड ए फीडबैक लूप। तो ये जो है करंट लिमिटिंग कंट्रोल जो होता है वो जो है फीडबैक लूप के तरीके बिहेव करता है करंट लिमिटिंग कंट्रोल। अब यहाँ पे देखिए ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है 25 है विच टाइप ऑफ चॉपर इज यूज इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ ए डीसी मोटर। तो क्लास सी चॉपर का यूज़ हम लोग जो है करते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए, और यहाँ पे जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हम लोग क्लास सी टाइप चॉपर यूज़ करते हैं। क्लास सी टाइप चॉपर में जो है आपके दो डायोड मिलते हैं और दो स्विच मिलते हैं, दो SCR होते हैं। और क्लास सी टाइप चॉपर का अगर हम फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे थायरिस्टर होते हैं, यहाँ पे ये पहला थायरिस्टर है और यहाँ पे जो है सिंपली एक डायोड का कनेक्शन लगा रहता है आपका। तो क्लास सी टाइप चॉपर को आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है क्लास सी टाइप चॉपर से जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपका इंडक्टर होता है और ये जो है लोड होता है और इसका कुछ कनेक्शन ऐसे होता है, और यहाँ से जो है आपका सप्लाई वोल्टेज यहाँ से दिया जाता है, ये जो है वोल्टेज है आपका DC प्लस माइनस है। तो यहाँ पर जो है चॉपर, ये जो है चॉपर वन है CH1 और ये जो है चॉपर टू है सेकेंड चॉपर, यहाँ पे जो डायोड वन है और ये डायोड टू। तो यहाँ पे क्लास सी चाहिए चॉपर में आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, दो SCR यूज़ करते हैं हम लोग और दो डायोड यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और क्लास सी चॉपर में जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही मिलता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, और जो करेंट होता है हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलता है। और क्लास सी चाहिए चॉपर जो है टू कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है टाइप सी चॉपर में क्या होता है, तो टाइप सी चॉपर में जो होते हैं दो डायोड होते हैं और जो है दो स्विच होते हैं और दो SCR यूज़ होते हैं, बाकी जो कनेक्शन होता है हमारा इंडक्टर होता है और लोड होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्लास सी चॉपर से जो है क्वेश्चन बहुत बनते हैं हमें, और आउटपुट जो भी वोल्टेज होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो करेंट होगा वो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। और जो है यहाँ पे जो है टू कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है हमारा जो क्लास सी टाइप का जो चॉपर है वो टू कोऑर्डिनेट में ऑपरेट होता है।
अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है द एसी रिपल वोल्टेज, तो देखिए एसी रिपल वोल्टेज का सिंपल यहाँ पे जो फार्मूला होगा आप आरएमएस अपन आउटपुट को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सिंपली जो रिपल करंट होता है, एक एसी रिपल है और एक जो आपका फार्मूला आता है रिपल करंट। तो रिपल करंट अगर पूछता है तो रिपल करंट की जो फार्मूला होता है वो हमारा आई जीरो यानी मैक्सिमम करंट माइनस आई जीरो मिनिमम करंट। जो भी हम इसकी जो वर्किंग है आप वहाँ थ्योरी वाले सेक्शन में चापर की जो वर्किंग मैंने बताई है वहाँ पे कि जो करंट जो होती है वो इंक्रीज़ करती है टर्न ऑन टाइम में, फिर टर्न ऑफ टाइम में डिक्रीज़ करती है, फिर इंक्रीज डिक्रीज ऐसे चलती रहती है। तो ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ये मिनिमम पॉइंट होता है। इसी बेसिस पे हम चापर को ये बता सकते हैं कि जो वेरिएबल जो आउटपुट में जो भी डीसी मिल रहा है वो हमें वेरिएबल डीसी मिल रहा है, तो वो जो डिफरेंस होता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग रिपल करेंट बोलते हैं। तो 27 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। अब देखिए ये जो है थोड़ा सा डिफिनेशन है और यहाँ पे जो है आपको समझने का थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्टुअल है। देखिए यहाँ पे जो है वोल्टेज का ये जो है कम्यूटेशन सर्किट से क्वेश्चन पूछा गया है। कम्यूटेशन सर्किट जैसा कि हम जानते हैं वोल्टेज कम्यूटेशन, करंट कम्यूटेशन और लोड कम्यूटेशन हम लोग यूज़ करते हैं, ये दोनों कोई कम्यूटेशन नहीं है। तो ये दोनों आपको वैसे ही नेगलेक्ट करना है, सिर्फ आपको सर्किट में ये दो ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया द प्रोसेस ऑफ ए कम्यूटेटिंग एस सी आर बाई अप्लाइंग द रिवर्स वोल्टेज टू द एस सी आर थ्रू द प्रीवियसली चार्ज कैपेसिटर इज कॉल्ड। तो देखिए वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर में ही हम लोग कैपेसिटर जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक पूरी सर्किट जो होगी हमारी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पे इन्होंने एस सी आर कैपेसिटर को वो किया है। तो वैसे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा वोल्टेज कम्यूटेशन। अब देखिए वोल्टेज कम्यूटेशन में एक और आपको ध्यान देना है, इसका जो सर्किट का अरेंजमेंट होता है वो आपका कुछ ऐसे होता है। दो एस सी आर होते हैं आपके बैक टू कनेक्टेड होते हैं। ये जो एस सी आर है ये जो है एस सी आर मेन एस सी आर होता है और ये जो एस सी आर होता है आपका एक्सिलरी एस सी आर होता है। इसके नीचे डायोड होता है, इसकी सर्किट का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है और यहाँ पे जो है इंडक्टर लगा होता है। देखिए वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट में जो फिगर है ये आपका थायरिस्टर होता है, ऐसे आपका थायरिस्टर कनेक्टेड होता है यहाँ पे और इस थायरिस्टर से यहाँ पे जो है एक कैपेसिटर यूज होता है और यहाँ पे एक डायोड लगाते हैं हम लोग और यहाँ पे इंडक्टर होता है। सर्किट का कुछ अरेंजमेंट रहते होते हैं। देखिए सर्किट को आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि सर्किट अगर आपको आइडिया है तो डायरेक्ट जो है यहाँ फिगर से ही क्वेश्चन उठा के पूछ लिए जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये कैपेसिटर है और ये जो हमारा चापर मेन चापर है और ये जो है ऑक्सिलरी चापर है और ये जो है आपका डायोड है, ये जो है इंडक्टर है और ये जो है फ्री व्हीलिंग डायोड है और ये रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है और ये जो है हमारा लोड है। तो फिलहाल ये जो है वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट का जो है यहाँ पे फिगर दिखाया गया है और यहाँ पे सिंपली जो डायोड होता है और मेन जो चॉपर होता है इसका जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है हमारा वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट में आपको ये ध्यान देना है कि जो मेन एसीआर होता है और जो हमारा डायोड होता है उसका जो कनेक्शन होता है हमारा जो है पैरेलल होता है। लेकिन जो हमारा करंट कम्यूटेशन की अगर हमारी बात आती है तो वहाँ पे जो डायोड और जो मेन चॉपर है उसका जो कनेक्शन होता है वो हमारा एंटी पैरेलल होता है करंट कम्यूटेशन सर्किट में। तो ये जो पॉइंट है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस। तो वैसे तो इसका वोल्टेज कम्यूटेशन यूज़ होगा। अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन बोलता है कि वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट में कितने एस सी आर यूज़ होते हैं, तो दो एस सी आर यूज़ होते हैं, एक डायोड यूज़ होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। 29 यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ए करेंट कम्यूटेशन सर्किट, जैसा कि हमने बताया कि डायोड और जो एस सी आर का जो कनेक्शन होता है अगर एंटी पैरेलल है तो उस कंडीशन में हम लोग करेंट कम्यूटेशन सर्किट बोल सकते हैं, लेकिन अगर पैरेलल कम्यूटेशन है तो ये जो सेकेंड वाला बी जो ऑप्शन है ये हमारा वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट के लिए सही है। तो 29 का आप यहाँ पे इजीली ट्रिक कर सकते हैं, सी एंटी पैरेलल होगा तो हमें करेंट कम्यूटेशन ऑफ एस सी आर को ट्रिक करना है, एंटी पैरेलल होगा। अगर पैरेलल है तो उस कंडीशन में हमें वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर को ट्रिक करना है।
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए वोल्टेज कम्यूटेटेड एसीआर द मेन एसीआर इज कम्यूटेटेड बाय। तो देखिए वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट में हम जानते हैं कि दो चॉपर यूज होते हैं, मेन चॉपर ऑक्सिलरी चॉपर। तो मेन चॉपर को हमें ट्रिगर करने के लिए ऑक्सिलरी चॉपर की हेल्प से ही हम लोग ट्रिगर करते हैं। तो ट्रिगरिंग द ऑक्सिलरी एसीआर, तो मतलब मेन चॉपर जो होता है उसको ट्रिगर करने के लिए हम लोग ऑक्सिलरी चॉपर जो है रखे रहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ए कम्यूटेशन सर्किट डज नॉट वर्क ऑन द नो लोड। तो कौन सी ऐसी कम्यूटेशन सर्किट है जो नो लोड पे वर्क नहीं कर सकती है, डज नॉट वर्क ऑन द नो लोड। तो वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट जो है ये नो लोड पे काम नहीं कर सकती है। वोल्टेज कम्यूटेशन सर्किट को सेकेंड यहाँ पे जो है वोल्टेज कम्यूटेशन जो चॉपर होता है ये वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे लोड का जो फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा वैरी नहीं करता है आउटपुट में, तो उस कंडीशन में वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर का यूज़ करते हैं। इसका नाम जो होता है हम कई नामों से जानते हैं, पहला कैपेसिटर टर्न ऑफ चॉपर, इम्पल्स कम्यूटेटर चॉपर या फिर क्लासिकल चॉपर। तो कई सारे नाम हैं नो लोड पे, जो भी हम सर्किट यूज़ नहीं होगा वो हमारा वोल्टेज कम्यूटेशन होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा इन करेंट कम्यूटेशन चॉपर सर्किट, तो करेंट कम्यूटेशन चॉपर सर्किट में जो भी हमारा होता है हम कैपेसिटर कैन नॉट बी चार्ज ऑन नो लोड, तो ये गलत है। नो लोड पे कैपेसिटर चार्ज होगा ही नहीं, हमें लोड यानी शॉर्ट सर्किट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी हमारा कैपेसिटर चार्ज होगा। ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन ऑटोमेटिकली, तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर ऑटोमेटिकली टर्न ऑन नहीं होता, ये भी गलत है। नो द कम्यूटेशन इज नॉट रिएबल, तो ये भी गलत है। करेंट कम्यूटेशन और वोल्टेज कम्यूटेशन दोनों रिएबल है, सिर्फ लोड कम्यूटेशन चॉपर जो है वो रिएबल नहीं होता है। तो ये तीन ऑप्शन जो है निगलेक्ट होंगे, आपका आंसर इसका होगा करेक्ट सी होगा, यानी ऑक्सिलरी थायरिस्टर जो होता है वो नेचुरल कम्यूटेटेड होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, जस्ट अभी हमने बताया पीछे वही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ ए कम्यूटेटिंग सर्किट विल हैव द हाईएस्ट स्विचिंग लॉस फॉर द सेम रेटिंग ऑल द कंपोनेंट। तो सभी कंपोनेंट में सेम रेटिंग में कौन सी ऐसी कम्यूटेशन सर्किट है जो हाई स्विचिंग लॉस होता है, तो ये आपका है लोड कम्यूटेशन चॉपर। लोड कम्यूटेशन चॉपर में जो है बहुत ही ज़्यादा स्विचिंग लॉस होता है। अब देखिए लोड कम्यूटेशन चॉपर से जो है आपके फिगर थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे जो है चार थायरिस्टर होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं, ये जो है थायरिस्टर है, ये चार थायरिस्टर होते हैं आपके कनेक्टेड, और यहाँ पे जो है बीच में थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक कैपेसिटर लगा देते हैं, बाकी सारा कनेक्शन वही है, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं, फिर लोड लगा के इसको यहाँ से हम लोग सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है लोड कम्यूटेशन सर्किट में ये पूछता है कितने एसीआर यूज़ होंगे, तो यहाँ पे जो है चार एसीआर यूज़ होंगे और एक कैपेसिटर यूज़ होगा, डायोड यहाँ पे एक भी यूज़ नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा ये जो कनेक्शन होता है वो हम एक चॉपर की सर्किट को अरेंजमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्किट के जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से क्वेश्चन जो है सिंपल डिज़ाइन किए जाते हैं, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। सिंपल आप फिगर को अच्छे से ध्यान दीजिए कि किस वाले मतलब किस किस वोल्टेज कम्यूटेशन चॉपर में क्या है फिगर, करेंट कम्यूटेशन चॉपर में क्या है फिगर, स्टेप डाउन स्टेप अप चॉपर में क्या है फिगर। तो फिगर का जो भी फंडा है वहीं से मैक्सिमम जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वहीं से होते हैं, ज़्यादा आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो आई होप दोस्तों यहाँ पे हमने 34 क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। अब इन 34 क्वेश्चन में चापर से जो भी क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ से बाहर से मिलने वाला नहीं है। वैसे अगर आपने चापर का अगर थ्योरी वाला सेक्शन जो है अगर आपने देख लिए हैं तो थ्योरी वाले सेक्शन में जो है सारा का सारा जो पॉइंट होगा आपका वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप जो है अगर आपने थ्योरी वाला पोर्शन नहीं देखा है तो थ्योरी वाला पोर्शन ज़रूर देख लीजिए और वहाँ से आप इजिली एक नोट्स भी बना सकते हैं अच्छा सा। तो आई होप ये जो था ये प्रैक्टिस के लिए था, चॉपर का सारा कॉन्सेप्ट आपको वहीं मिलेगा जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा डीपली यहाँ पे जो है नहीं दिखा बताया गया है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी सब्जेक्ट बनेंगे जितने बन सकते हैं वही ऊपर ऊपर का ही बनता है, ज़्यादा बेसिक नहीं बनता है। तो आई होप ये जो है सेशन यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।